अरे पुलिस ने क्यों रोक लिया पर? क्या यार, क्या से क्या हो गया? फ्लैशबैक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं गाइस। कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं रहा धसा मेरे। तो भाई अभी हम जा रहे हैं, पता नहीं किसी को। रोहित को तो जा रहा, पता नहीं को। नहीं भाई, किसी को पता नहीं है। गाड़ी अच्छा भाई, हम जा रहे हैं रिवर्सल, ठीक है। तो रिवर्सल वाली साइड जा रहे हैं, तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। हम तो चले हैं घर से, चले हैं 1, 2, 3, 4 और 2, 6 बंदे हैं गाड़ी में चले हैं। और ये काकू भाई ड्राइव कर रहे हैं, दिखाता हूँ मैं। तो ड्राइव हो रही है, आगे रोहित बैठा है। भाई चला दे गाने, जब तक गाने चलेंगे मुझे लगता है पहुंच जाएंगे हम यार। यहाँ पे बंदे यार काम कर रहे हैं, तो चलते हैं। वहाँ का व्यू गाइस आपको मैं दिखाता हूँ कैसा है वहाँ का व्यू। साफ खतरनाक हो भाई, चिकने भाई बोलता अभी। दोस्तों हम जा रहे थे अपने घर से 69 किलोमीटर दूर, भाई मंडी और जाहू से होके हम जा रहे थे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से मंडी डिस्ट्रिक्ट में। दरअसल दोस्तों वहाँ पे एक रिवर्सल झील है जो कि काफी फेमस है, इसलिए हम सभी फ्रेंड्स वहाँ जा रहे थे। हम सभी काफी खुश थे क्योंकि हम सभी मिलके पहली बार गाड़ी में जा रहे थे। रास्ते में दोस्तों हमें एक बच्चा दिखता है जो कि रस्सी पे चढ़ के अपनी कलाकृति दिखा रहा था। रास्ते में पुलिस वाले मिलते हैं जो कि हमें रोक लेते हैं, फिर वो हमारी गाड़ी की चेकिंग करते हैं। वीडियो पुलिस तो अभी आई, पता क्या हुआ? ऐसा सीन था कि भाई पीवी का नंबर था हमारा, ठीक है। तो पीवी का नंबर देख के भाई रोक लिया, और फिर भाई बंदे सरप्राइज हो गए कि भाई पंजाब के बंदे पहाड़ी बोल रहे हैं। और पीछे ना डिक्की में ना कल के ऐसे गिलास पड़े थे। बोला कि भाई यार गिलास में साथ है, क्या प्रोग्राम है? भाई बाकी बात वो तो ये है, तो बाकी चलते हैं गाइस। कुछ भी वैसी कोई बात नहीं थी, घूमने की जगह पूछी हमने 2-3, तो उन्होंने हमें वो भी बता दिया। गूगल मैप का रास्ता देख रहे हैं बंदे ऊपर नीचे। अभी दोस्तों हमने मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर लिया था, और ये इलाका भी हमीरपुर की तरह था, बस यहाँ पे थोड़े मोड़ ज्यादा थे। मोड़ ठीक ठाक है मंडिया ना, सावधान आगे अंधा मोड़ है। और गाड़ी को यार सामने खड़ा कर दिया हमने, देखते हैं प्रॉपर। मतलब गाड़ी तो ठीक ही थी, बट यार रुको बैक कैमरे से बताता हूँ आपको। प्रॉपर गाड़ी ठीक है ना, बट भाई अपना कोई गलती नहीं थी, सामने बस टायर का रिम ये चेंज हो चुका है। क्या भाई यार, उधर सामने उसकी उसमें लगी यार सीधे ना, सामने से गाड़ी आ रही थी फुल स्पीड से, तो हमने अपना अपने अपने आप को सेव किया। गाड़ी पूरी ठीक है, बस वही हुआ। बाकी रिएक्शन देखो, ये हर कोई बंदा जा रहा है तो देख रहा है कि भाई यहाँ क्या हुआ। हाँ देख ले भाई, गाड़ी के टायर फटने के साथ एक्सल भी थोड़ा सा टूट गया था, इसलिए हमको गाड़ी को टो करने के लिए एक वैन मंगवानी पड़ी। यहाँ पे आस पास पे कोई भी शॉप नहीं जहाँ पर हम काम करवा सके। मंडी में एक टाटा का कार सर्विस सेंटर है जहाँ को रास्ता थोड़ा दूर था, इसलिए हमें भी गाड़ी में बैठ के जाना पड़ा। वाह,
यहाँ पर और भी बहुत सारी गाड़ियाँ थी जिनका एक्सीडेंट हुआ, इसलिए हमारी गाड़ी का नंबर आने में टाइम लगना था। अभी हम मैं टाटा मोटर के शोरूम में, और यार जैसे कि आपको पता है गाड़ी का हो गया था यार छोटा एक्सीडेंट, तो अभी तो यहाँ पे है यार गाड़ी अपनी, देखते हैं जब तक होगा भाई। अभी घर तो ऐसे जाना पड़ेगा, बस में बोल रहे हैं कि थोड़े दिनों का टाइम लगेगा, तो चलते हैं भाई। मैं ही बाहर नहीं है, इसलिए दोस्तों कहा गया है किस्मत में होगा वो देखा जाएगा। हमने प्लान तो रिवर्सर घूमने का बनाया था, बट अभी हम इस मार्केट में घूम रहे थे। आए थे हम गाड़ी में, पर जाना हमको पैदल पड़ रहा था। सबसे पहले हम बस लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज से। अभी हम पहुंच चुके हैं नेहरी चौक के पास, और यहाँ से जा रहे हैं यार प्रॉपर मतलब बस स्टैंड के पास। बस स्टैंड तो आए नहीं यहाँ पे, मतलब देखते हैं जहाँ भी यार बस वगैरह मिलेगी। आए थे भाई रूम वाली सीट पे, गाड़ी में बैठ के जाएंगे ठर ठर करते भाई बस वाली सीट में। खराब हो जाएगा मैं बाहर, अम्मा भाई पे आ जाऊंगा मैं। थोड़ी देर बाद हमें बस मिल जाती है, और बस से हमें थोड़ी देर आगे जाने के बाद दिखता है रिवर्सर, पर अब ये हमारा सपना ही रह गया था। जाहू बस स्टैंड पहुंचने के बाद अब हमें आगे को बस लेनी थी। बस तो हमें मिल जाती है, पर बस में भीड़ होने के कारण हमें सीट नहीं मिलती, और फिर हमें खड़े होके बस में जाना पड़ता है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और हम पहुँच जाते हैं भोटा बस स्टॉप पे। फिर सलोनी में पहुँच के हमें भूख लग जाती है, पर समोसे और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो अभी ये गाइस हम सलोनी में, और यहाँ से करना पड़ेगा मैं ट्राला, छः बंदे हैं तो कर लेते हो ट्राला, देखते हैं मतलब गाड़ी करनी पड़ेगी ना, तो देखते हैं कहाँ पे मिलती है हमें गाड़ी। गाड़ी वाला नहीं मिल रहा है यहाँ पे यार, गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। थोड़ी देर बाद हमें गाड़ी मिल जाती है, फिर हम घर चले जाते हैं। 2000 years later. थोड़ी दिनों बाद मेरे भाई जी दोबारा घर आते हैं, क्योंकि अभी गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका था और गाड़ी लेने आए थे। गाइस वो गाड़ी, और फिलहाल अपनी गाड़ी बन चुकी है, बिल्कुल न्यू गाड़ी की तरह लग रही है। वो बन चुकी है भाई अपनी गाड़ी और आ चुकी है, तो काफी ब्रांड न्यू कार लग रही है अभी यार। और अभी थोड़ी देर बाद भाई जी फिर चले जाते हैं अपनी जॉब पे, फिर सभी घर वाले इनको एक साथ मिलके अलविदा कह देते हैं। ठीक है, बाय बाय सारे, बाय।